बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं वो है मूवी का ट्रेलर जो कि कल ही आउट हुआ है और हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स ने हमसे रिक्वेस्ट की है। ऑनेस्टली इस ट्रेलर को देखते हुए हम लोग काफी ज्यादा थोड़ा सा हैवी हार्ट के साथ हम लोग देख रहे हैं। वेल आपको पता चल गया होगा वीडियो का कि कौन सी ट्रेलर है ये, दिल बेचारा, और ये सुशांत सिंह राजपूत की लास्ट मूवी है और जो है इसमें साथ हैं इनके संजना जो जिनका डेब्यू है इस मूवी में, और इस मूवी को डायरेक्ट किया है मुकेश छाबरा ने, और जो है ये प्रोड्यूस जो है वो हो रही है हॉटस्टार, डिज्नी हॉटस्टार पे। और बेसिकली ये जो मूवी है ये बेस्ड है नॉवल पे द फॉल्ट इन आवर स्टार्स बाय जॉन ग्रीन। तो और जो इसके अलावा इनकी स्टार कास्ट है इसमें है सैफ अली खान, उसमें है स्वस्तिका मुखर्जी, मिलन और जुए जाफरी। तो चलिए पहले देख लेते हैं ट्रेलर, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का, इस चैनल का ओरिजिनल लिंक जो है आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा हमारे ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ट्रेलर। मेरी नानी बचपन में अक्सर मुझे ये कहानी सुनाया करती थी। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। पर ऐसी कहानियां किसी को अच्छी नहीं लगती। मेरा नाम किजी बासु है, क्यों है मत पूछो। मुझे कैंसर है। तुम्हारा नाम किसने रखा? किजी। मेरा नाम इमैनुअल राजकुमार जूनियर है। कुछ साल पहले मुझे ऑस्ट्रोसार्कोमा छूके निकल गया। बट आई एम अ फाइटर एंड आई हैव नेवर एवर हैड सेक्स। कर बंद सभी घड़ियां। तुम सेफ नहीं लगते, सीरियल किलर टाइप के लगते। मैं सीरियल किलर, तुम सीरियल किसर। ना छोड़िए। सरी का मतलब ओके। हद से सरी हमारा वर्ड है। पर कैंसर को हंसी और खुशी से प्रॉब्लम है। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। पर ये कहानी अधूरी है, इसे पूरा वो राजा और रानी करते हैं। रानी मुझे पेरिस जाना है। तो मेरे हार्ट के लिए जरूरी। It beats faster every time you come closer. It's not fair to him, Baba. मेरी प्रॉब्लम है, उसे सफर करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा इस तरह से इग्नोर करना पॉइंट चेंज में फील्स है। जन्म कब लेना है और मरना कब है हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर कैसे जीना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। सरी किसी बात और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं। अभी नहीं है, कभी नहीं। कभी नहीं। चल छुट्टी। दिल बेचारा, फ्रेंड ज़ोन का माया। वीडियो देख के जो है सीरियसली यकीन नहीं आ रहा कि सुशांत सिंह राजपूत जो है उनकी ये लास्ट मूवी है, क्योंकि सब कुछ इतना कहते हैं ना तेजी में हो गया, पता ही नहीं चला चीज़ों का। लेकिन अगर ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर मुझे बहुत अच्छा लगा और एक डिफरेंट स्टोरी एज यूजुअल जैसे उनकी मूवीज में होती हैं, थोड़ा लव एंगल है लेकिन एक स्टोरी के साथ है। अभी तक तो वाकई में हम लोगों को यकीन नहीं आ रहा कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हो चुकी है, क्योंकि हर रोज हम कुछ ना कुछ उनके बारे में पढ़ते हैं जब से उनकी डेथ हुई है। और मैं ये बोलूंगी जैसे हम लोगों ने मूवी में भी देखा ट्रेलर में कि जो उनका करेक्टर है वो एक हैप्पी सोल करेक्टर है, और रियल लाइफ में भी जो उनकी वीडियोस हमारे सामने आ रही हैं वो बिल्कुल एक हैप्पी सोल के। पता नहीं, मैं हमेशा ये बात करती हूँ और घर में भी डिस्कशन अगर हो तो हम लोग ये बात करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, उनको अपनी जान नहीं लेनी चाहिए थी, या जो भी उनके साथ हुआ वो अभी तक किसी को पता नहीं है। बट ये कि जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, और क्योंकि मूवी
देखकर अब पता क्या कुछ अंदर से आप मैं ट्रेलर देखते हुए थोड़ा सा इमोशनल हो रही थी, बुरा लग रहा था कुछ के ऐसा लग रहा था किसी तरीके से वापस ले आओ। मैं अगर बात करूं जैसे ट्विटर पे जो है मैं काफी ज्यादा जो है फॉलो करता हूँ ट्रेंड्स को जो बेसिकली चल रहते हैं ट्विटर पे मैं उन्हें देखता रहता हूँ। तो आजकल जो है इंडिया में काफी ज्यादा जो है वो ट्रेंड चल रहा है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, क्योंकि लोगों को जो है वो काफी ज्यादा झोल लग रहा है इस चीजों में ना। बिल्कुल। और पता क्या, अच्छा फिर और भी बहुत सारी चीजें इंटरनेट पर आती रहती हैं और मैं पढ़ती भी रहती हूँ चीजें और देखती भी रहती हूँ सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड, लेकिन ऑनेस्टली मैं बोलती हूँ अच्छी मूवी थी। आपके पास जो भी था मतलब जैसे भी था मुझे नहीं पता कि मतलब वाकई में इंसान किस चीज से गुजरता है, बट प्लीज ऐसे नहीं होना चाहिए जिंदगी जैसे। हाँ, जैसे जो है ना मतलब, इसमें भी उन्होंने कहा कि जिंदगी जो है वो आप अपने मुताबिक जो है बनाते हैं, ठीक है ना, जैसे बीच में उन्होंने एक डायलॉग बोला बिल्कुल जिंदगी जो है आप अपने मुताबिक बनाते हैं लेकिन जो है उसे खुशगवार बनाए। सुशांत सिंह राजपूत की अगर लाइफ के बारे में देखा जाए तो वो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह जो है वो एक इस तरह की जिंदगी थी कि वो डिप्रेशन में इस हद तक चले जाएं कि वो अपनी जान ले लें। मतलब 2020 में हो गया कि मतलब एकदम से कोविड स्टार्ट हुआ है फिर उसके बाद हम लोगों को ऐसी खबरें मतलब सुनने को मिल रही हैं। और वाकई में जो डायलॉग बोला बड़ा अच्छा डायलॉग है कि मतलब पैदा होना या मर जाना उसका तो वाकई में हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन हमें अपनी जिंदगी को कैसे चलाना है वो हम लोग कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में। तो मैं बोलूंगी कि जिस तरीके का उनका कैरेक्टर इतना जॉली सा कैरेक्टर दिखाया हुआ है कि जिस तरीके से जो एक्ट्रेस हैं उनकी काफी ज्यादा यू नो मतलब जैसे कैंसर पेशेंट दिखाई हुई है और किस तरीके से आई थिंक उनकी लाइफ में आगे अप्स एंड डाउन आएंगे और किस तरीके से वो उनकी लाइफ को हैप्पी बनाएंगे भी इससे उन्होंने कहा कि पेरिस जाने का बहुत शौक है फिर हाँ, वो पेरिस भी उनके साथ दिखाया हुआ है गेम में तो कुछ इमोशनल सीन्स भी हैं वो भी हम लोगों को दिखने को मिले। लेकिन अच्छा एक चीज जो मैंने नोटिस की वो ये कि सुशांत सिंह राजपूत क्योंकि शाहरुख खान सर के बहुत बड़े फैन रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा लगा कि उन्होंने शाहरुख खान जैसा मतलब उन्होंने वो कहता ना हैप्पी हैप्पी एफर्ट करना थोड़ा सा तो वो वाला थोड़ी सी मुझे झलक नजर आई उनमें ना। तो बस मैं ये बोलूंगी कि अभी हमारे पास बस एक अच्छी मेमोरीज हैं जो हमने उनकी मूवीज देखी हैं या जो जिस तरीके से हम लोग उनकी लाइफ के बारे में पढ़ रहे हैं हमें अच्छी हमारे पास अच्छी मेमोरीज रह चुकी हैं उनकी। और अगेन अभी तक हमारा माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि वो इस दुनिया में नहीं है क्योंकि जैसे ट्रेलर देखा ऐसे लग रहा है कि वो भी जिंदा है। वैसे अगर बात करें इस मूवी के म्यूजिक की तो वो जो है AR रहमान सर ने दिया और AR रहमान सर का म्यूजिक जो है वो शुरू से ही बहुत अच्छा रहा है, डिफरेंट रहा है और उनके म्यूजिक में जरूर कोई ना कोई यूनिकनेस होती है। जैसे अभी इसमें बात करें तो मेरे वायलिन के जो साउंड थी वो बहुत मुझे जो है उस साउंड ने अट्रैक्ट किया है। अच्छा मैं तो थ्रू आउट ऐसे ना थोड़ा सा ऑनेस्टली बता रही हूँ कि मतलब थोड़ा सा आपके मन में चल रही होती हैं चीजें दिमाग में चल रही होती हैं सुशांत सिंह राजपूत मतलब आपका ना उसी से ध्यान नहीं हटता तो मेरा थोड़ा सा कुछ उस तरह वाला ये अक्सर जो है ना अभी तक भी वीडियोस देखती रहती हैं। मैं यहाँ पे बैठा था ना तो ये अक्सर देखती रहती हूँ वीडियोस क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे अभी तक यकीन नहीं होता और ना ही मुझे इवन के जब सुशांत सिंह की डेथ हुई तो मैं थोड़ा सा मतलब इस तरह डिप्रेशन में चली गई थी काफी अजीब सा हुआ था क्योंकि आपको अजीब लगता है कुछ चीजें हालांकि आप स्टार्स के साथ कनेक्टेड होते हो बट मुझे लगता है कि हम लोग कुछ ज्यादा ही कनेक्ट हो जाते हैं। और इवन के अभी लास्ट मैं बात बताऊंगी एक्चुअली मैंने जैसे बोला कि मैं बहुत सारी वीडियोस देखती हूँ तो मैंने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की भी देखी वीडियोस जो आजकल इंटरनेट पर बहुत ज्यादा चल रही है और उसमें ये कि सुशांत सिंह एक मैंने वो वीडियो देखी थी और उसके बाद मैं अगले दिन रात में डर गई और मैंने इनको बताया मैं सुबह उठ के क्योंकि मैं कमरे में अकेली होती हूँ तो मैंने फिर इनको बताया पड़ गया मैं रात को ना डर गई थी। वेल लेकिन ये कि आई डोंट बिलीव मुझे नहीं पता इस चीज़ का भी कि ये सही नॉलेज है या नहीं है बट ये कि उनसे रिलेटेड काफ़ी सारी हम लोग चीज़ें देख रहे हैं बट आने वाले टाइम में देखें अब इस मूवी का आई थिंक बहुत सारे लोग इसको देखने वाले हैं। और इस मूवी के रिलीज डेट की बात करें तो ये 24 जुलाई को जो है हॉटस्टार और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जो है रिलीज होगी। वेल हम लोग बस यही दुआ करते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जहां पर भी हैं वो वहां पर खुश रहें और बाकी जो उनके घर वाले हैं उनको भी अल्लाह ताला हिम्मत और हौसला दे क्योंकि उनके फादर की काफी बुरी हालत थी। मैंने इस सदमे से
बाहर नहीं निकल आए। मैंने जो है एक जगह पढ़ा था कि उनके इंसिडेंट के बाद जो है ना उनकी फैमिली में से दो या तीन लोगों की मजीद उन सदमे से डेथ हुई है। वो मुझे नहीं वैसे पता, बट ये कि उनके फादर के मंदिर काफी ज्यादा उनकी भी मैंने पढ़ा था, बट अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और उनके घर वालों को भी हौसला और हिम्मत दे। और बाकी बहुत सारे उनके फैंस भी ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, अक्सर कमेंट्स पढ़ती हूँ तो नीचे लिखा होता है प्लीज उनको वापस ले आए या वापस आ जाए, इस तरह के कमेंट्स। तो खैर अभी हम कुछ नहीं कर सकते सवाए इसके कि जो चीजें सही नहीं है उनको सही किया जाए। और इसी के साथ हम आपसे चाहेंगे इजाज़त, हमारे वीडियोज लाइक सब्सक्राइब एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स।